नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे और आज के टॉपिक में आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है, मतलब जो OSMF होता है, जो मुंह के कम धीरे धीरे करके कम खुलने की जो प्रॉब्लम होती है, ये कितने दिन में ठीक होती है। क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे पेशेंट बार बार फ़ोन करके पूछते रहते हैं, डॉक्टर साहब आपने ये तो बता दिया कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस ठीक हो सकता है, आप ठीक कर सकते हैं। पिछली वीडियो में आपने ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हैं, और अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाके देखिए, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में डिटेल जानकारी है। और इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कितने समय में ठीक होता है। तो कितने समय में ठीक होने से पहले हमको ये जानना है कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो होता है वो किस किस प्रकार का होता है और कौन से प्रकार में किस समय में कितने जल्दी से कौन सा ठीक हो सकता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है, आपको सबको पता है कि यह पान तंबाकू गुटखा खाने से ये होता है, इसका कॉजेज होता है। बहुत सारे केसेस में होता है कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खाने से होता है, कुछ केसेस में अनुवांशिक भी होता है, कुछ में बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है मुंह में उसके कारण भी होता है, माइक्रोसेटिक एनीमिया होता है उसके कारण भी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियोज़ में बता रखा है, आप उस वीडियो को जाइए और उसको डिटेल से ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में समझिए। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की कितने प्रकार के स्टेजेस होती हैं। जी हाँ, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस 5 प्रकार का होता है, 5 ग्रेड में ये डिवाइड होता है। जब ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस फर्स्ट ग्रेड में होता है तो इसमें पता ही नहीं चलता कि हमको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ मिर्च मसाला हमारे मुंह में लगता है और हमको और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उसमें क्या होगा कि बर्निंग माउथ सेंसेशन होता है, मतलब मुंह में मिर्च मसाला लगेगा, उसके बाद आपका थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज इन स्वेलिंग होगी, फिर अल्सरेशन हो जाता है, मतलब मुंह में छाले पड़ने लगते हैं। ये सारी इनिशियल कंडीशन आपको होती है और आपको मतलब मुंह खुलने में नॉर्मल जो माउथ ओपनिंग होती है वो 35 से 44 एमएम की माउथ ओपनिंग नॉर्मली होगी, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन में होती है, तो इसमें हमको पता नहीं चलता है। अगर आपको इनिशियल फेज़ में ही प्रॉब्लम हो रही है, मिर्च मसाला लग रहा है, बार बार मुंह में छाले पड़ रहे हैं, और आपकी किसी भी प्रकार की हैबिट है, जो सारी हैबिट मैंने अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि मतलब पान तंबाकू गुटखा खा रहे हैं, सुरती खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, या तो फिर सिगरेट का सेवन करते हैं, या फिर आपका मिर्च मसाला का सेवन ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में आप मिर्च मसाला का सेवन करते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और उनको दिखाइए कि कहीं आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की स्टार्टिंग तो नहीं है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो होता है ये एक कंडीशन होती है, ये आपको एक क्रोनिक कंडीशन होती है, ये हाई रिस्क कंडीशन है किसी भी प्रकार के डिजीज़ की। तो जो फर्स्ट स्टेज है इसमें 35 से 44 एमएम की माउथ ओपनिंग होगी, और जब सेकेंड स्टेज होता है तो सेकेंड स्टेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, माउथ ओपनिंग थोड़ी सी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, जो कि 26 एमएम से लेके 35 एमएम तक की माउथ ओपनिंग होती है। और इस कंडीशन में भी आपका जो पहले स्टेज में होता था कि बर्निंग माउथ सेंसेशन है, डिफ़िकल्टीज इन स्वेलिंग है, अल्सरेशन है, वेसिकल फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें इस कंडीशन में भी होगी, इसको आप माइल्ड ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कह सकते हैं। जो तीसरा स्टेज है, तीसरा ग्रेड होता है, उस कंडीशन में क्या होगा कि माउथ ओपनिंग थोड़ी और कम हो जाएगी और ये 15 एमएम से लेके 26 मतलब 26 एमएम तक की माउथ ओपनिंग होती है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो मुंह में मिर्च मसाला लग रहा है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगी और धीरे धीरे करके आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, अल्सरेशन होने लगेगा, वेसिकल फॉर्मेशन होने लगेगा, डिफ़िकल्टीज इन स्वेलिंग होने लगेगी, आपका जो अंदर का धीरे धीरे का जो बक्कल म्यूकोसा है धीरे धीरे करके स्टिफनेस टाइटनेस होने लगता है और फाइब्रोटिक बैंड डेवलप होने लगता है। और जो एडवांस कंडीशन है, एडवांस कंडीशन में क्या होता है कि माउथ ओपनिंग और ज़्यादा कम हो जाएगी और मुँह की हालत बद से बदतर हो जाएगी, मतलब किसी भी प्रकार का माउथ ओपनिंग आप नहीं कर पाएंगे और सिर्फ 2 mm टू 15 mm माउथ ओपनिंग आपकी रह जाती है।
मतलब कि एक उंगली भी सही से आपके मुंह के अंदर नहीं जा सकती। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है कि ये एक एडवांस ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है, तो इस कंडीशन में आपके मुंह के अंदर जो आपका लेदरी फॉर्मेशन हो जाएगा, जो आपका फाइब्रोटिक बैंड होता है बहुत मोटा और पूरा बक्कल मुकुसा में आपको फैल जाएगा और आपके मुँह खोलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। और जो सारी कंडीशन पहले दो तीन स्टेजों में हो रही थी वो सारी स्टेजेस कंडीशन इसमें भी होगी, मतलब बर्निंग माउथ सेंसेशन होगा, डिफिकल्टीज इन स्वेलिंग होगी, अल्सरेशन होगा, विजाइकल फॉर्मेशन हो ही रहा है और एक एडवांस स्टेज हो गया, मतलब कि लेदरी फॉर्मेशन हो गई फाइब्रोटिक बैंड की मुँह के अंदर। जब पांचवा और अंतिम स्टेज होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्टेज होता है, इसमें माउथ बिल्कुल ही कम खुलता है, ना के बराबर खुलता है। और इस कंडीशन में जो होता है, जो आपकी कंडीशन थी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, इसके साथ साथ आपके लीजन भी आपके मुंह में आ जाते हैं, जैसे ल्यूकोप्लेकिया और लाइकन पेनेक्स भी आपके मुंह में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं, ये भी होने लगते हैं। तो इस कंडीशन में जो लास्ट स्टेज होता है इसमें सही करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, अब वो है क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी करके ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। और अब मैं बताता हूँ कि जो आपका स्टेजेस हैं, स्टेजेस वाइज कैसे कैसे कितना कितना समय लगता है। तो अगर आप पहले स्टेज में हैं, इनिशियल फेज में ही आपको पता चल गया कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, तो आपको 6 से 8 महीने में आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस ठीक हो जाएगा। अगर पर्टिकुलर एक दवा पे आप रहेंगे बार बार, हर दो दो तीन तीन महीने पे, हर 10-15 दिन पे दवा चेंज नहीं करेंगे, अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करेंगे और धीरे धीरे करके समय लगेगा लेकिन आप ठीक होंगे 6 से 8 महीने में पहले स्टेज में। दूसरा स्टेज जो होता है, जो सेकेंड ग्रेड है, जिसमें कि माउथ ओपनिंग आपकी 26 से 35 mm हो रही है, इस कंडीशन में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, लगभग 8 से 10 महीने लग जाएंगे। तीसरे स्टेज में आने पे आपको कम से कम लगभग 1 साल से 1.5 साल तक लग सकता है। और जो चौथा स्टेज है उसमें आपका समय लगेगा, मतलब कि 18 महीने, 15 से 18 महीने लगेंगे। और जो पांचवा स्टेज होता है उसमें तो आप समय का बिल्कुल ही ध्यान मत दीजिए, क्योंकि उसमें आप जल्दी से जल्दी अपने माउथ की सर्जरी करवाइए। माउथ में जो क्रायो सर्जरी करते हैं, इसमें एक कुछ डिग्री सेल्सियस पे इसको फ्रीज करके और इसके जो लीजन होता है उसको कट करके हटा दिया जाता है। तो ये कंडीशन ये करवाइए, क्रायो सर्जरी पाँचवें स्टेज में ही जाके ठीक होगा। अगर आप पाँचवें स्टेज में पहुंच गए हैं तो आप सर्जरी से ही ठीक हो सकते हैं, नहीं तो बाकी जो 4 स्टेज है वो आपको समय लगेगा। आपको धीरे धीरे करके आपकी जो प्रॉब्लम है, जो माउथ ओपनिंग की प्रॉब्लम है, समय के साथ आपका मुँह धीरे धीरे करके बंद होना शुरू हुआ है, तो समय लगेगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस उपाय को कीजिए और जैसे मैंने बताया है बिल्कुल धैर्य रखिए और जो भी आपकी हैबिट है उसको ब्रेक कीजिए और उसके बाद अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए। याद रखिएगा, किसी भी प्रकार की जो दवा है अपने से नहीं खाइएगा, अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कीजिए या तो फिर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको दवा चलाएँगे और आप बिल्कुल ही ठीक हो सकते हैं। अगर आपको फ़ायदा होता है तो अपने जिस भी नज़दीक हैं उन नज़दीक वालों को, जिसको भी ये प्रॉब्लम है, ये शेयर कीजिए और उनको बताइए कि कैसे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जल्दी से जल्दी ठीक हो सकता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, जैसे कि आपको नए नए चीज़ें, आपको नए नए प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करते रहें और आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।